एक नर्स लंदन में ऑपरेशन से 2 घंटे पहले मरीज़ के कमरे में घुसकर कमरे में रखे गुलदस्ते को संवारने और ठीक करने लगी। ऐसे ही जब वो अपनी पूरी लगन के साथ काम में लगी थी, तभी अचानक मरीज़ से उसने पूछा, सर, आपका ऑपरेशन कौन सा डॉक्टर कर रहा है? नर्स को देखे बिना मरीज़ ने अच्छे लहजे में कहा, डॉक्टर जबसन। नर्स ने डॉक्टर का नाम सुना और आश्चर्य से अपना काम छोड़ते हुए मरीज़ के पास पहुंची और पूछा, सर, क्या डॉक्टर जबसन ने वास्तव में आपके ऑपरेशन को स्वीकार कर लिया है? मरीज़ ने कहा, हाँ, मेरा ऑपरेशन वही कर रहे हैं। नर्स ने कहा, बड़ी अजीब बात है, विश्वास नहीं होता। परेशान होते हुए मरीज़ ने पूछा, लेकिन इसमें ऐसी क्या अजीब बात है? नर्स ने कहा, वास्तव में इस डॉक्टर ने अब तक हजारों ऑपरेशन किए हैं। उनके ऑपरेशन में सफलता का अनुपात 100% है। इनकी तीव्र व्यस्तता की वजह से इन्हें समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं हैरान हूँ कि आपका ऑपरेशन करने के लिए उन्हें फुर्सत कैसे मिली? मरीज़ ने नर्स से कहा, ये मेरी अच्छी किस्मत है कि डॉक्टर जबसन को फुर्सत मिली और वो मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। नर्स ने एक बार फिर कहा, यकीन मानिए, मेरी हैरानी अभी भी बरकरार है कि दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है। इस बातचीत के बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। मरीज़ का सफल ऑपरेशन हुआ और अब मरीज़ हंसकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मरीज़ के कमरे में आई महिला कोई साधारण नर्स नहीं थी, बल्कि उसी अस्पताल की मनोवैज्ञानिक महिला डॉक्टर थी, जिसका काम मरीज़ों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से संचालित करना था, जिसके कारण उसे संतुष्ट करना था, जिस पर मरीज़ शक भी नहीं कर सकता था। और इस बार इस महिला डॉक्टर ने अपना काम मरीज़ के कमरे में गुलदस्ता सजाते हुए कर दिया था और बहुत खूबसूरती से मरीज़ के दिल और दिमाग में बिठा दिया था कि जो डॉक्टर इसका ऑपरेशन करेगा वो दुनिया का मशहूर और सबसे सफल डॉक्टर है, जिसका हर ऑपरेशन सफल ऑपरेशन है। और इन सब के साथ मरीज़ खुद सकारात्मक तरीके से सुधार की तरफ लौट आया। आज ज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि रोगी जितनी दृढ़ता से रोग को नियंत्रित करने का वादा करता है, उतनी ही दृढ़ता से रोग पर जीत दर्ज कर सकता है। कोई भी व्यक्ति संकल्प ले तो हर समस्या को नियंत्रित कर सकता है, कोरोना को भी।